good morning students how are you all so today i'm going to teach you chapter 11 peter meets wendy it is related to adventures and imaginations so let's start our new chapter here are four characters peter john michael and wendy okay so let's start Secret uh, the scene is the bedroom of the three darling children. There are three beds and a night light above each. There is a window near two of beds and a fireplace near the other one. In the room is a large kennel as well and a chest of drawers. Three children, two boys aged about six and eight and a girl aged about ट्वेल्व आर स्लीपिंग इन द बेड्स इन द कॉर्नर ऑफ द रूम नियर द विंडो अ स्मॉल ग्लो अराइज द ग्लोइंग लाइट फिट्स ऑल अबाउट द रूम एज इफ सर्चिंग फॉर समथिंग दैन द विंडो ओपन फुली एंड इन टू द रूम ट्रम्बल्स ए बॉय ये कहा इस कहानी में क्या है चार कैरेक्टर हैं एक तो पीटर वेंडी जॉन माइकल अब ये बेडरूम का सीन यहाँ पे दर्शाया गया है कहा गया है कि एक बेडरूम में तीन बच्चे हैं है ना कौन कौन है पीटर है जॉन है माइकल है सॉरी वेंडी है जॉन है माइकल है पीटर तो बाद में अपियर होगा उधर कितने बेड्स लगे हुए तीन बच्चे हैं तो तीन बेड लगे हुए तीनों के ऊपर एक नाइट लैंप लगा हुआ है और रूम के कॉर्नर में क्या है एक लार्ज कैनल भी है कैनल मीन्स होता है कुत्ते का घर जो होता है ना और वहाँ पे चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स भी है जो ड्रॉर्स होते हैं ना बच्चों जिनमें हम सामान रखते हैं वो भी है थ्री चिल्ड्रन बॉय जिसमें तीन बच्चे हैं उनमें कौन है दो तो बच्चे हैं जिनकी एज दो बॉय हैं जिनकी एज क्या है एक की छः साल है और एक की आठ साल है और एक लड़की है उसकी एज कितनी है ट्वेल्व ईयर्स है जिसका नाम वेंडी है जो लड़की है उसका नाम वेंडी है और स्लीपिंग वो लोग क्या कर रहे होते हैं सो रहे होते हैं तभी रूम के कॉर्नर में खिड़की से वो देखती है तो उजाला टाइप आता है है ना रोशनी होती है तो वो देखती है कि वो रोशनी वो देखती है विंडो में से झांक के तो वो क्या कर देखती है कि एक लड़का जो है उड़ रहा है और वो अचानक से आके उसके रूम में एंटर हो जाता है वो बात करती है तो उसके रूम में एंटर हो जाता है पीटर सॉफ्टली टिंकर बैल टिंकर बैल टिंक वैर आर यू द लिटिल फेयरी इज प्रेजेंटली इन साइड ए जंग दैट इज ऑन द टॉप ऑफ द चेस्ट ड्रॉ तो पीटर बुलाता है टिंकर बैल टिंक तुम कहाँ हो है ना तो वो फेयरी कहाँ होती है टिंकर बैल कौन होती है एक फेयरी होती है बच्चों तो वो कहाँ छुपी होती है न जो ड्रॉज के ऊपर एक जग रखा हुआ है ना उसमें उसके अंदर जाके बैठ जाती है पीत पीटर ओ कम आउट ऑफ दैट जग वट यू टेल मी हैव यू फाउंड वेर दे पुट माई शेडो अरे यार तुम जग में ही जाके बैठ गई हो तुम बाहर तो निकलो मुझे बताओ मेरी शेडो का शेडो सी मी परछाई को उसने छिपा दिया था द टिंकर ऑफ गोल्डन बैल्स इज़ हर्ड इन रिस्पॉन्स द टिंकल उसका जो रिस्पॉन्स आता है अब देखते हैं क्या होता है पीटर आ इन द चेस्ट ऑफ ड्रॉर इज इट अब पीटर को आवाज़ सुनाई देती है कि तुम्हारी शेडो कहाँ ड्रॉर में रखी हुई है पीटर रो द चोस्ट ऑफ ड्रॉज एंड आउट हिज शेडो अब वो पीटर क्या करता है कि ड्रॉज को खोलता है और उसमें से अपनी शेडो को वापस निकाल लेता है पीटर आ एट लास्ट नाउ टू मेक यू स्टिक टू मी वॉट यू वॉन्ट यू स्टिक अब वो कहता है मैंने आखिरकार तुमको पाई ली पर अब मैं तुमको अपने साथ चिपकाऊँ कैसे स्टिक यानी शेडो को अपने साथ चिपकाना यानी वैसे तो शेडो हमारी हमारे साथ ही रहती है पर ये इमेजिनेशन का चैप्टर है ना फेरीज का तो इसलिए ऐसी बात है पीटर ट्राइज टू स्टिक द शेडो टू हिमसेल्फ यूजिंग सो फोर्स इट इज अब वो हर तरीके का प्रयास करता है दबाव से हर तरीके से पर वो उससे स्टिक नहीं होते पीटर सोबिंग वाई वॉन्ट यू स्टिक टू मी शेडो वाई सोबिंग मीन्स मतलब दुखी होना तो वो कहता है कि तुम मेरे से क्यों नहीं चिपकोगी वेंडी अब वो वेंडी अपने बैड से बोलती बॉय वाई आर यू क्राइंग वेंडी पूछती है लड़के तुम क्यों रो रहे हो पीटर राइजिंग दॉइंग व्हाट योर नेम वेंडी वेंडी मॉरिया, एंजेला डार्लिंग एंड वाट्स योर वेंडी अपना नाम बताती है कि मेरा नाम आ, वेंडी है और तुम्हारा नाम क्या है पीटर माई माई नेम इज़ पीटर पैन मेरा नाम पीटर है पीटर पैन है वेंडी वॉट वॉट आर शॉर्ट नेम एंड वेयर डू यू लिव पीटर पैन पीटर वो कहती है तुम्हारा शॉर्ट नेम क्या है और तुम कहाँ रहते हो पीटर पैन द सेकेंड टू द राइट एंड देन स्ट्रेट ऑन टिल मॉर्निंग वो कहता है सेकेंड मैं राइट में रहता हूँ सुबह तक वेंडी हाउ फनी आई मीन इज दैट व्हाट पीपल पुट ऑन देयर लेटर्स टू यू पीटर रनोइड नो इट इजेंट डोंट गेट एनी लेटर्स नेक्स्ट पेज व्हाट डज़ डजेंट योर मदर गेट एनी वंडी को शौक होता है तो कि मतलब ऐसी बात पीटर क्यों कर रहा है पीटर डोंट हैव ए मदर एंड आई थिंक मदर्स आर ओवर एटेड एनी वे तो वो कहते हैं कि है ना वो कहता है कि मेरी कोई मदर नहीं है और क्या कहते हैं मदर उसका कहना ये होता है ओवर एटेड से मतलब कि अ पर्सन प्लेस थिंक दैट इज कंसिडर टू बी बेटर देन एक्चुअली आर और उसका कहना ये है कि जितना अच्छा मदर्स को बताया गया है उतनी वो होती नहीं है वेंडी इवन मोर शॉक्ड उसको बड़ा शॉकड होता है ओ पीटर नो वंडर यू वर क्राइंग वेंडी गेट्स आउट ऑफ बैड एंड रशिज टूअर्ड हिम और वो वेंडी अपना बिस्तर छोड़ देती है और उसकी तरफ भागती है पीटर आई वॉज क्राइंग अबाउट मदर्स तुम मैं मदर्स के को लेकर रो नहीं रहा हूँ आई वॉज क्राइंग बिकॉज आई कैन गेट माई शेडो टू स्टिक टू मी मैं अपनी माँ को के लिए नहीं रो रहा हूँ बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मे, मेरी शेडो मुझसे चिपक नहीं रही है वेंडी ओ हैज इट कम ऑफ हाउ ऑफ फुल वेंडी बोलती है अरे ये तो बड़ी दुख की बात है पीटर वाई आर यू स्माइलिंग वो कहता है तुम क्यों स्माइल कर रही हो वेंडी पॉइंटिंग एट द सोप बिकॉज इट वॉन्ट स्टक ऑन विद सोप इट मस्ट बी स्विन ऑन वो कहती है कि वो सोप की तरफ देखती है पर वो कहती है कि सोप से तो ये चिपकेगा नहीं पीटर वॉट स्विन वी पेट्रोनाइजिंगली नेवर माइंड वो कहती है ध्यान मत दो आई शास्ट यू इट ऑन फॉर यू माई लिटिल मैन वेंडी कहती है कि मैं तुम्हारी शेडो को तुमसे सी दूंगी सिल दूंगी मतलब सुई धागे से जो सिलते हैं ना बास्केट फुल ऑफ रोल्स ऑफ थ्रेड एंड वेरियस अदर स्विंग इक्विपमेंट शी प्रोसीड टू पिक अप द शेडो एंड होल्ड इट अप टू पीटर एग्जामिनिंग इट अब वो कहती है कि मैं तुम्हारी शेडो को सिल दूंगी वो है ना सारे सामान निकाल लेती है सिलाई के और शुरू करती है वेंडी आई शा इट ऑन ऑन टू योर फुट आई डैश से इट विल हर्ट बिट वो कहती है मैं सिल तो दूंगी तुम्हारे फुट से तुम्हारी शेडो को लेकिन ये क्या होगा तुमको हर्ट करेगा यानी तुमको दर्द देगा पीटर कॉन्फिडेंटली इफ इट डज आई शैंट क्राई आई हैव नेवर क्राइड इन माई लाइफ वो कहता है कि नहीं मुझे तुम सिल दो मुझे दर्द होगा मैं सहन कर लूँगा मुझे दर्द नहीं होता मैं नहीं रोऊंगा वेंडी प्रोसीड टू सी सैडो ऑन टू हिज फूड ही क्लैंचिज हिज टीथ अ लिटिल बट नॉट क्राई पीटर बिगिन्स बाउंडिंग अबाउट द रूम द मोमेंट शी डन अब वो सिल देता है उसको दर्द तो होता है पर वो अपने दांतों को मिसमिसा के रह जाता है पर वो रोता नहीं है और उसकी वो वेंडी जो होती है उसके शेडो को उससे स्टिक कर देती है सिल देती है उसकी जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि उसकी शेडो को वो सिल रही है पीटर ओ हाउ वंडरफुल इट इज़ टू बी बैक विथ माई शेडो आई एम सो क्लेवर पीटर बड़ा Glad हो के बोलता है कि ये तो बड़ा वंडरफुल uh, है यार मेरी शेडो तो मुझसे चिपक गई मैं तो बड़ा चालाक हूँ अब वेंडी बोलती है कि ये सिर्फ तुम्हारी अच्छी बात है ये केवल तुम्हारी क्लेवरनेस है मैंने कुछ नहीं किया नेक्स्ट पीटर ग्लैंसिंग ओवर एट हर ओ यू लिटिल अब पीटर मतलब उसको छेड़ते हुए बड़ा बोलता है कि हाँ तुमने किया है थोड़ा सा किया है लेकिन वेंडी लुकिंग ओफेंड अ लिटिल वेल इफ दैट सॉल्व द यूज आई एम आई एम माई एज वेल गो बैक टू bed Wendy कहती है अच्छा मैंने एक थोड़ा सा ही किया है ना ठीक है तो अब मुझे सो uh, uh, so जाना चाहिए मुझे अपने बेड पर चली जाना चाहिए वेंडी क्लाइम बैक इन टू बैड एंड पुल्स द कवर ओवर हर फेस पीटर गोज ओवर to her and taps the bottom of the bed where her foot is. अब वेंडी क्या करती है अपने बेड पे चढ़ जाती है और अपनी चद्दर खींच के अपने फेस तक तो ओढ़ लेती है और पीटर उसके पास जाता है और उसके फुट के पास खड़ा होकर बोलता है पीटर बोलता है वेंडी वेंडी डोंट गो टू स्लीप पीटर क्या बोलता है वेंडी वेंडी डोंट गो टू स्लीप सोने मत जाओ आई कॉन्ट हैल्प ग्रोइंग अबाउट इट वेन आई एम प्लेसड विथ माई सेल्फ वो कहता है कि मतलब ये तो बहुत अच्छी आ, मैं आ, 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 कैसे एक्सप्रेस करूँ अपना तुम्हारे लिए प्राइड तुमने मेरे लिए बहुत किया देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम वेंडी सो पीटर गोज नियरर अब वेंडी फिर भी नहीं बोली तो वो उसके पास जाता है वैंडी <laughs> सॉरी पीटर पीटर स्वीटली बहुत प्यार से बोलता है डियर डियर वैंडी वन इज मोर यूज होता है पे Peter बोलता है कि dear Wendy, एक लड़की लड़के से ज़्यादा अच्छी होती है वैंडी पीपिंग आउट फ्रॉम अंडर हे शीट वो अपनी शीट में से यानी चादर में से झाँक के देखती है और बोलती है डू यू रियली थिंक सो तो मैं क्या सच में ऐसा सोचते हो पीटर Yes, I do. Peter बोलता है, yes, हाँ, ऐसा ही मैं सोचता हूँ वैंड अप एंड आईज हेम क्यूरियसली पीटर हाउ ओल्ड आर यू वो उससे पूछती है उसकी तरफ उससे कहती है बैठ जाओ उसकी तरफ क्यूरियसली देखती है कि तुम कितने साल के हो पीटर लुकिंग अनकंफर्टेबल उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ये प्रश्न आई डोंट नो आई रन अवे द डे आई वॉज बॉर्न एंड आई लिवड विथ द फियज पीटर कहता है मुझे नहीं पता मैं कितने साल का हूँ क्योंकि मैं फेयरीज के साथ रहता हूँ क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब से ही मैं मुझे मेरे माँ बाप का नहीं पता है मतलब वो एक लॉस्ट चाइल्ड था कहना चाहिए जैसे बच्चों को कई बार नहीं पेरेंट्स गुम जाते हैं या उनको हॉस्पिटल के आसपास छोड़ जाते हैं तो वैसी ही स्टोरी पीटर की थी वेंडी माई गुडनेस बट पीटर वॉन्ट यू टेल मी अबाउट द फियरिस पेंडी बोलती है ये तो मे, मेरी गुडनेस है कि तुम फेयरीज की दुनिया से हो पर पीटर क्या तुम मुझे फेयरीज के बारे में नहीं बताओगे पीटर लुकिंग प्लेस्ड पीटर को खुशी होती है फेरीज आर द लवलीस्ट थिंग डू यू नो वैन द फर्स्ट बेबी लाफ्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स लाफ ब्रोक इन टू थाउजेंड पीसीज एंड ईच पीसेज बिकम फेयरी दो वो क्या कहता है कहता है पी, पीटर के है ना फेयरिस जो होती हैं बहुत प्यारी होती हैं सबसे प्यारी होती हैं तुमको पता है जब पहला बच्चा हंसा था ना फर्स्ट टाइम तो वो क्या उन्होंने जो अपनी स्माइल बिखेरी ना तो वो जो स्माइल के पीसेस हुए थे ना वो एक-एक पीस क्या बन गए फेयरी बन गए सो देयर आर टू बी वन फेयरी फॉर एवरी बॉय एंड गर्ल तो हर एक बच्चे के लिए लड़के के लिए लड़की के लिए एक फेरी होती है वेंडी ऑट टू बी एर एंड देर ऑट टू बी मतलब वो कहती है होती है यहाँ पर नहीं है पीटर लुकिंग सीरियस नो फॉर चिल्ड्रन टूडे Don't believe in fairies anymore on account knowing such a lot. And every time a child I don't believe in fairies, a fairy somewhere drop down dads. Avo uh, Peter Bolta. Hai. वेंडी uh, बोलती है कि यहाँ नहीं है तो वो पीटर कहता है कि नहीं क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं फेयरीज में बिलीव नहीं करते हैं इसलिए फेयरी सबके पास नहीं होती फेयरी केवल उन्हीं के पास होती हैं जो उनमें विश्वास रखते हैं पीटर लुक्स थॉटफुल एंड वेंडी अपसेट पीटर तो थॉटफुल था क्योंकि वो फेयरीज के साथ रहता था वेंडी थोड़ा अपसेट हो जाती है पीटर लुक्स ऑल अराउंड हिम फॉर टिंकर बैल टिंकर बैल को वो देखता रहता है वेंडी वॉट आर यू लुकिंग फॉर वेंडी बोलती है तुम किसको देख रहे हो पीटर आई कॉन्ट थिंक वेर शी हैज गॉट टू शी वाज हेयर जस्ट नाउ तो पीटर कहता है कि मैं किसको देख रहा हूँ टिंकर बैल को देख रहा हूँ सो so, आज के लिए इतना ही बहुत है इट इज अ पार्ट वन ऑफ चैप्टर इलेवन And next part i will teach you uh, in uh, next video thank you so much goodbye